मैं अपने मुल्क के किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हाशमी आर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों, आज की वीडियो सौंफ और धनिया की मखलूत काश्त पर है। जी हाँ किसान भाइयों, आप एक ही खेत में दोनों फसलें काश्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सौंफ की फसल सेंट्रल पंजाब से जनूबी पंजाब की तरफ बेहतर पैदावार देती है। शुमाली पंजाब और शुमाली इलाका जात में सर्दी की वजह से इनके फूलों को नुकसान होता है और पैदावार अच्छी नहीं होती। सौंफ की काश्त के लिए रेतली और मैरा ज़मीनें अच्छी पैदावार की हामिल हैं। इसकी काश्त अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर 15 नवंबर तक की जा सकती है। साथियों, सौंफ की फसल खेलियां पर और बजरिया ड्रिल भी काश्त की जा सकती है। अगर आप खेलियां पर काश्त करना चाहें तो एक तरफ सौंफ और दूसरी तरफ धनिया के चौके लगाए जा सकते हैं। इस तरह मेरा किसान एक खेत से दो फसलें ले सकता है और यूँ धनिया और सौंफ की फसलों से अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकता है। अगर सौंफ की खादों की बात करें तो वक्त काश्त 35 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस की सिफारिश की जाती है। साथियों, दो माह की फसल में एक बोरी नाइट्रोफास और गोब की हालत में पोटाश का इस्तेमाल करने से फसल ज़्यादा पैदावार देती है। जब फसल तीन माह की हो जाए तो इस पर फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करें और फसल पर झुलसाओं का अटैक हो तो फिर भी आप फंजीसाइड का ही स्प्रे करें। वीवर्स, सौंफ की फसल 12 से 18 माह तक फी एकड़ पैदावार देती है और आप सौंफ की फसल से तकरीबन 5 लाख रुपए यकीनी मुनाफा हासिल कर सकते हैं। वीवर्स, मेरी कोशिश होती है कि अपने किसान भाइयों को अच्छे मशवरे दूं और उनको अच्छी अच्छी फसलों के बारे में आगाही दूं। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।